रोहतक लोकसभा का चुनाव कुछ चुनौती लग रहा है? मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा और यहाँ से जो हमारी जीत होगी वो केवल सांसद बनाने की जीत ही नहीं रहेगी। रोहतक लोकसभा सीट से इस बार हमारी जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने की वो जीत साबित होगी, हरियाणा में परिवर्तन लाने की जीत वो साबित होगी। देखो, मैं समझता हूँ कि हम लोग पाँच साल लोगों के बीच में रहते हैं और पाँचों साल मेहनत का हमारा क्रम जारी रहता है, तो जो है कोई लोगों के बीच में जाकर कोई अपनी बात कहना कोई हमारे लिए कोई चुनाव के समय का कोई बात नहीं है। ये तो भाजपा के प्रत्याशी हो सकता है, पाँच साल तक लोगों के अंदर बीच में उनका आवागमन नहीं रहा, अब जाके वो चुनाव के समय आए, लेकिन हम तो लोगों से जो है के सुख दुख में पाँचों साल लोगों के बीच में रहने वाले, ये हमारा घर है और मैं समझता हूँ कि लोग भी इस बात को समझते हैं। एक सवाल हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का नारनौल में विरोध हुआ और उनको गांव में नहीं। देखिए, जहाँ तक जेजेपी पार्टी की बात है, मैंने पहले ही कह दिया था कि जेजेपी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है और जेजेपी पार्टी का मुझे भविष्य में भी मैं समझता हूँ ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके भाजपा को सपोर्ट जब किया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि आने वाले समय में उनका मतदाता वोट की चोट से उनका इससे इस विश्वासघात का बदला चुकाएगा। कांग्रेस पार्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।